हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सिगरी, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है। यहाँ से 100 से 150 मीटर नीचे जाने के बाद हमारा टेंट आएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो लेफ्ट में आप देख रहे हैं ये ओपन डाइनिंग एरिया है, जहाँ पर हम बैठकर अपनी मील एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से माउंटेन साफ नज़र आता है। मैं आपको और थोड़ा आगे ले जाकर दिखाऊं तो देखिए, ये नीचे से जो रास्ता जाता है वो हमारे टेंट तक जाता है। अभी मैं आपको नीचे भी लेकर चलूँगा। चलिए नीचे चलते हैं। ये बोनफायर के लिए अच्छा खासा सिटिंग अरेंजमेंट बनाया हुआ है, जिसको नाइट में आप इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सर्दी बहुत पड़ती है। टेंट का फ्रंट एंट्रेंस है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन से सारे टेंट लगे हुए हैं। इधर एक छोटा सा पार्क है जिसमें फ्लावर्स ही फ्लावर्स है। आपको टेंट के अंदर ले चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 सिंगल बेड लगे हुए हैं। यहाँ फैन नहीं है, क्योंकि यहाँ का मौसम हमेशा ही ठंडा बना रहता है। आप देख सकते हैं इस टेंट में अटैच्ड टॉयलेट है। टॉयलेट के गेट के लिए सिर्फ जिपर ही नहीं दिया हुआ है, अंदर एक लोहे का गेट भी है। इट्स नीट एंड क्लीन। अगर मैं आपको टेंट के अंदर से बाहर का नजारा दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह का है। अब मैं आपको बाहर की तरफ ले चलता हूं। ये सनसेट का टाइम है और काफी खूबसूरत नजर आ रहा है। चारों तरफ पहाड़ भी बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। आगे की तरफ हम चलते हैं, उस दूसरे कैंप में देखते हैं आगे क्या क्या है। ये बोनफायर के लिए लकड़ियां रखी गई हैं। यहाँ सिटिंग कैपेसिटी काफी अच्छी है। देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा टेंट हाउस है, जो कि डिफरेंट तरह का है। इसमें ग्लास विंडो दी गई है और ये सनसेट व्यू है यहाँ से। इधर आप देख सकते हैं इधर पहाड़ियाँ हैं, काफी खूबसूरत नजर आ रहा होगा। ये बादल ऊपर आए हुए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये लोकेशन अच्छी लगी हो और आप कैंपिंग का शौक रखते हैं तो आप शानदार तरीके से अपनी छुट्टियां यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, दिल्ली टू सिगरी जंगल कैंप बाय रोड। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो मैं अब आपको इस एरिया के मैनेजर से मिलाता हूँ, जो पर हैं अजय जी। तो सर बताइए यहाँ पर। सर जय हिंद। ये सिगरी जंगल कैंप है और ये किलवरी फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट आता है नैनीताल के अंडर। नैनीताल से 24 किलोमीटर आपको काला डुंगी की पहाड़ी से हाई कोर्ट से ऊपर आना पड़ेगा। इफ यू आर कमिंग फ्रॉम दी जो हल्द्वानी वाला एरिया है, तो वहाँ से आपको पूरा नैनीताल नैनी झील क्रॉस करके काला डुंगी से राइट लेना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप काला डुंगी वाले एरिया से ऊपर चढ़ते हैं तो वहीं से नैनीताल बाईपास हो जाता है। अब दिस इज अ ब्यूटीफुल ऑफबीट लोकेशन, जहाँ पे 8-10 टेंटेड अकोमोडेशन है। बट द बेस्ट पार्ट, सबसे बढ़िया बात ये है कि हमें नेचर के साथ भी रह के मॉडर्न फैसिलिटीज भी चाहिए। तो टेंट का टेंट है जिसमें हमें जंगल की पूरी फीलिंग आती है और अटैच टॉयलेट बाथरूम है वेस्टर्न स्टाइल। तो हमें हमारा दिल्ली का हमारा मेट्रो का सुख मिलने के साथ साथ हमें हमारा जंगल का भी सुख प्राप्त होता है। अब आप देखिए वहाँ हमारी गाड़ी की पार्किंग होती है और ये तकरीबन 200 मीटर का नीचे से आते हैं। ऊपर इन लोगों का बेस किचन है, जहाँ पे बड़ा प्यार से ये लोग घर का खाना बनाते हैं। आपसे पूछते हैं क्या खाना है,
नीचे ये लोग रहते हैं, पूरा बड़ा किचन है, ऊपर हम लोगों के ड्राइवर्स के रहने की सुविधा है जो कि टोटली फ्री है, साथ में इन लोगों के वर्कर्स रहते हैं। यहाँ के जो हमारे एक और मैनेजर साहब है वही यहाँ के ओनर है, और ओनर होने के साथ साथ उनका ही टाई अप कुमाऊं अपना गवर्नमेंट के साथ है जो यहाँ के मैनेजर बना रखे हैं, और वो बुकिंग्स लेते हैं, और उनका घर भी ऊपर है, उनकी मदर रहती है वो सामने, अगर आप देखेंगे आप कैमरा घुमाएंगे वो ऊपर वाला उनका घर है, सारी फैसिलिटीज है उधर भी, और फर्स्ट एड है, डॉक्टर ऑन कॉल है, और इट्स एन ऑफ बीट। अगर आप कोई ऐसा हिल स्टेशन जाना चाहते हैं जहाँ आपको मॉल्स की दुकानें नहीं चाहिए, जहाँ आपको वही दिल्ली या चंडीगढ़ या और भी कोई मेट्रो का नहीं चाहिए, आपको प्योर हिल स्टेशन का मजा लेना है, तो सीगरी जंगल कैंप इज फॉर यू, वेरी रीजनेबल। सर आपका धन्यवाद, इस जानकारी से हमारे व्यूवर्स को काफी हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स अब मैं खर्चे के बारे में बता दूं, टेंटेड एकोमोडेशन के लिए यहाँ 1200 रुपये पर हेड के हिसाब से चार्ज लिया जाएगा, जिसमें कि आपका ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड है। इसके अलावा अगर आप कोई एक्टिविटीज़ करते हैं जैसे कि ट्रैकिंग, तो उसके चार्जेस अलग से हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, अगर ये एकांतवास पसंद आया हो तो वीडियो को थम्सअप देना ना भूलें। चलिए तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। Bye.